हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भैया, यस यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। सुब्रत, स्टार्ट करो आप। ओके। सो मैं सुब्रत खरे हूँ। आई एम इन सीएलसी। मैं आपको टॉर्च पढ़ाऊंगा। सो प्लीज, अगर आप इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे कि टॉर्च के बारे में आप लोग क्या 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 जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बारी बारी करके आप लोग बोल सकते हो, तो प्लीज ट्राई। कोई बताना चाहेगा? टॉर्च इज अ लैटिन वर्ड दैट्स मीन इज ट्विस्ट। मतलब इफ एनीथिंग इज ट्विस्ट, मतलब ये एक तरीके का लीगल इसमें डैमेजेस होते हैं, जो मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसके लिए इसमें जो है वो दिए गए हैं। एनीवन एल्स? कोई और इसमें बताना नेगेटिव चाहेगा क्या भैया? टॉर्ट इज और के बारे में? और कोई इसमें कुछ बताना चाहेगा कहाँ से अनलिक्विडेटेड क्या? डैमेजेस इट इज अ होते हैं, पब्लिक और रॉन्ग। इंजूरिया साइन डैमनमो और डैमनम साइन इंजूरिया दो मैक्सिम्स हैं। मतलब अगर डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो डैमेजेस नहीं, तो रेमेडी नहीं मिलेगी। और अगर इंजरी हुई है, मतलब और अगर डैमेजेस हो गए हैं, इंजरी नहीं हुई है तो नहीं मिलेंगे। और अगर डैमेज नहीं हुआ है और लीगल इंजरी हुई है लीगल राइट का, तो रेमेडी मिलेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कि जो मैं टॉर्ट है क्लियर ना, भैया? पार्शली यू आर राइट, थोड़ा बहुत और एड ऑन करते हैं आपकी नॉलेज में। जो टॉर्ट है ना, टॉर्ट, इसका ये ओरिजिन हुआ है रोमन वर्ड टॉर्टम से, लैटिन वर्ड, सॉरी, लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्टेड, विच इज क्रुक्ड और ट्विस्टेड। तो कोई भी चीज जो घुमावदार या मुड़ी हुई, हिंदी में कहें अगर, तो वो टॉर्ट कहलाएगी। और टॉर्ट खुद में एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कि टॉर्ट, विच वर्ड इज टॉर्ट, और डाला होगा इंग्लिश, फ्रेंच और रोमन या फिर कोई और भी दिया जाएगा। तो टॉर्ट जो है ना, वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होती है रॉन्ग। तो कोई भी जो चीज गलत हो रही है ना, वो टॉर्ट कहलाती है। इन सिविल चीज, सिविल मैटर्स में ये मेनली सिविल चीज होती है। और फिर ये तीन आपके ना मेन चीज हो गए ना, मेनली देखेंगे ना जो आप पढ़ोगे ना टॉर्ट, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। यहाँ एक अपन बस करने के लिए आए हैं कि कैसे भी करके एंट्रेंस क्लियर हो, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ना ज्यादा डीप जाना है ना कुछ करना है, समझे आप लोग? तो थोड़ी आपकी जो क्वेरीज होंगी ना, वो लिमिटेड ही रखना, और अपना ज्ञान भी लिमिटेड रखना, क्योंकि जो चीज आएगी ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने वाले हो। यहाँ बस आपको थोड़ा ही बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये तीन चीज है पहले टॉर्च के बारे में। और फिर एक और चीज आती है टॉर्च के बारे में, इट इज राइट एंड रेम। तो कोई बताना चाहेगा राइट एंड रेम का मतलब क्या होता है? ग्रेटर पब्लिक के लिए हाँ भैया, राइट एंड राइट रेम एंड रेम क्या का मैं बता रहा हूँ भैया। राइट एंड रेम का वर्ल्ड मतलब एट होता है लार्ज? पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, और राइट एंड परसोनम का मतलब होता है कि किस पर्सन के लिए। या एब्सोल्यूटली करेक्ट। राइट एंड रेम का मतलब होता है वर्ल्ड एट लार्ज। तो जो टॉर्च है ना, वो वर्ल्ड एट लार्ज होता है। मतलब कोई भी अगर चीज, जैसे डेफमेशन का एक एग्जांपल लेंगे, तो जो डेफमेशन है ना, उसमें जो आपका, जैसे कोई राइट है कि मेरे को कोई डिफेम नहीं करेगा, तो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट है ये चीज कि मेरे को कोई भी डिफेम नहीं करेगा। तो ये होती है राइट एंड रेम। और वही राइट एंड परसोनम होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो वो चीज अलग चीज होती है, वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, जो भी मतलब आपको टीच करे, मेरे को नहीं पता भी कौन करेगा। तो मैंने आपको बता दिया ये चीज। और फिर इसमें ही नीचे आएंगे तो ये होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो समवन कैन डिफाइन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? पहले से डिफाइन नहीं होता है भैया किस तरीके, मतलब डैमेजेस जो है वो पहले से डिफाइन नहीं होते हैं। ओके, तो यही होता है टॉर्च में कि दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो आपके डिफाइन होते हैं पहले से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में
कॉन्ट्रैक्ट आपने जैसे ए ने बी ने ए से बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर्टेन चीज उसको गुड्स डिलीवर करेगा वो, और अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता है तो उस पर, अगर वो नहीं करेगा तो उस पर कितना फाइन लगेगा, उस पर कितने के डैमेजेस देने पड़ेंगे, तो ये पहले से ही सर्टेन रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं। तो ये होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यही होते हैं जो आपके डिफाइन नहीं होते हैं, ये कोर्ट वार्ड में अपने उससे डिसाइड करता है, अपने इंटेलिजेंस से डिसाइड करता है कि अनलिक्विडेटेड कितने डैमेजेस उसको देने पड़ेंगे, तो ये आपके होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और टॉर्ट्स में यही होता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो ये आपके चार पांच अभी ये हो गए हैं आपके एमसीक्यूज, यही आने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज होती है डेलिक्ट, ये रोमन वर्ड है डेलिक्ट, इसमें कह सकते हैं कि टॉर्ट्स का ये रोमन वर्ड है डेलिक्ट विच मीन्स ऑल्सो रॉन्ग। तो ये चार पांच चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद आता है आपका, इसमें एक चीज शायद मैंने नहीं डाली है, टॉर्ट्स एक लैटिन मैक्सिम है, उबी जस इबी रेमेडियम, इसको लिख लो, टॉर्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम। अब इसका कोई मतलब बताना चाहेगा, उबी जस इबी देयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी रेमेडी यस करेक्ट कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो अगर आपका राइट बनता है और उस राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो उसके लिए कोई रेमेडी है इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये अभी तक समझ में आ रहा है सबको, कोई परेशानी कोई डाउट? नो भैया। चलो ठीक है फिर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब यहाँ पे आएंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंसेंट आती है सेक्शन 13 में, और टॉर्ट्स में आता है आपका विद और विदाउट कंसेंट। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया था डिफेमेशन का, तो डिफेमेशन में कोई आपकी कंसेंट लेके आपकी डिफेम करता है कोई? क्या ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि मैंने आपसे कंसेंट ले ली, चलो मैं आपको सर्टेन जगह पर डिफेम करूंगा, ये थोड़ी ना होता है। तो ये होता है विदाउट कंसेंट। और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होती है कंसेंशियस एड इडम, ये सेक्शन 13 ही है आपका। फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, ये कोई जानता है बताना चाहेगा कोई? भैया जो रिलेशन में होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनको हम जानते हैं, उसमें तो टॉर्ट में तो कोई भी हमारे साथ मतलब प्रिविटी नहीं होती है, कहीं से भी रॉन्ग हो सकता है। जी भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ये कहती है कि जैसे दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो दो पार्टीज जो हैं केवल वही एक दूसरे को शो करती हैं, उन्हीं की राइट्स एंड ड्यूटीज बनती है एक दूसरे के प्रति, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, ठीक। और ये इसमें प्रिविटी होती नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टॉर्ट्स में काम ही नहीं करती है, समझे? तो ये हो गया एक चीज। भैया अभी आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर सकते हो? सॉरी, एक बार रिपीट कर सकते हो प्रिविटी के बारे में क्या बोला? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के बारे में बता रहा था मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि जो दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दो या दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकते हैं, ए एंड बी, मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ए और बी की ही राइट्स एंड ड्यूटीज बनेगी एक दूसरे के लिए, ठीक है? और यही चीज आपकी उसमें अवेलेबल नहीं होगी टॉर्च में। टॉर्च में केवल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी नहीं होती है, इसमें आपका मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होती है। मतलब अगर आप डिफेमेशन करोगे किसी का, तो उसमें ये थोड़ी ना होगा कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था पहले से ही। तो ये समझ में आया? हाँ। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट में राइट एंड पर्सोना और राइट एंड रैम, ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ, अभी बताया मैंने। फिर होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज फिक्स्ड, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी फिक्स होती है कि क्या आप चीजें, मतलब ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर्टेन गुड्स वो ए को बी डिलीवर करेगा, और इसमें ड्यूटी फिक्स हो गई। मान लो 100 क्विंटल उसने एप्पल्स इसको देने हैं, बी को, ए ने ए को बी ने देने हैं, ठीक है? तो ये होगी ड्यूटी इज फिक्स्ड, इसमें ड्यूटी इज फिक्स नहीं होती है। ड्यूटी इज ब्रीच्ड एंड इज ओन्ड बाय वर्ल्ड एट लार्ज, ये जैसे डिफेमेशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसमें ड्यूटी फिक्स तो होगी नहीं, या आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं कि आप सर्टेन जगह पर मेरा सर्टेन टाइम पे आप मेरा डिफेमेशन कर दो, ये तो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होगा ना कि आप मेरा डिफेमेशन नहीं करोगे, ये आपका राइट है वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट, ठीक?
अभी ये तक चीज समझ में आई यहाँ तक? अभी आया। हाँ, फिर इसके बाद आता है, ये दो तीन चीजें आती हैं, फिर आता है टॉर्ट्स। वैसे कहीं इसका कहीं स्टेट्यूट तो है नहीं, लेकिन टॉर्ट एक जगह डिफाइंड है केवल लिमिटेशन एक्ट 1963 में, इसका सेक्शन है सेक्शन 2M। ये कभी एमसीक्यू आ सकता है कि सेक्शन किस सेक्शन में है या किस एक्ट में है, तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में है ये। और फिर दो चीजें आती हैं, एक होता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये दोनों के बीच में किसी को डिफरेंस पता है? क्राइम में सोसाइटी एक पार्टी होती है और टॉर्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन। सही है। पब्लिक राइट और सिविल राइट, देखो जब मान लो किसी की कॉलोनी में मान लो मर्डर हो गया, ए एक आपका नेबर था और बी भी आपका एक नेबर था, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो कितना बड़ा इशू बन जाता है, कितने दिन तक बात चलती है आपकी कॉलोनी में, कितने दिन तक बात चलेगी इस बीच के बारे में कि हाय ए ने बी को मार दिया, है ना, कितनी देर तक बात चलेगी, सब लोग इसी का इशू बनाएंगे कि पता नहीं कैसा इंसान था ए, उसने बी को मार दिया, फिर उसकी बात होगी। वहीं सर्टेन अगर चीज होगी सिविल राइट के बीच में कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था सर्टेन चीज के लिए, किसी ने किसी का, ए ने मान लो ब्रीच कर दिया बी का, तो उसके बारे में आप लोग इतना डिस्कस करोगे? नहीं करोगे ऑफकोर्स। तो वो चीज होती है पब्लिक राइट। पब्लिक राइट होती है क्राइम में कि जो पब्लिक राइट वायलेट हुआ, मान लो किसी ए ने बी का मर्डर किया, तो वो तो हुआ ही हुआ, मतलब बी का मर्डर हुआ, लेकिन जो क्राइम हुआ है ना वो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट हुआ है, मान लो मर्डर किया जाएगा ना वो, तो पब्लिक राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। और टॉर्ट्स में भाई अगर वायलेशन होता है तो सिविल राइट्स के बीच में का वायलेशन माना जाता है। तो ये चीज समझ में आया अभी दोनों के बीच का डिफरेंस? हाँ आया थोड़ा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा था कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी आपके दो नेबर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो आपकी कॉलोनी में उसके कितने दिन तक काम चलेगा, ये कितने दिन तक बातें चलेगी ए ने के बी का मर्डर कर दिया, है ना, तो ये अगर मान लो मर्डर हुआ है या फिर कोई और भी चीज हुआ है, थेफ्ट भी हुआ है, तो ये पब्लिक राइट वायलेट हो गया एक तरीके से कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये एक रॉन्ग डूअर माना जाएगा, ये एक क्राइम माना जाएगा अगेंस्ट द स्टेट, ये जो राइट वायलेट हुआ है, राइट ऑफ लिविंग आर्टिकल 21, समझे। और फिर यही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ए ने बी का ब्रीच किया है, कोई चीज उसको डिलीवर करनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, तो ये सिविल राइट्स वायलेशन माना जाता है। और इसमें केवल ना इंजर्ड पार्टी, जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, केवल वही एक दूसरे को शू कर पाएंगे, समझे अब? हाँ, फिर आता है, यही बता चुका हूँ मैं, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द नेम ऑफ द स्टेट। जब भी आप मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे आईपीसी पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा ये चीज होती है कि एक सर्टेन पार्टी अगेंस्ट सर्टेन पार्टी नाम नहीं लिखा होता है। मान लो ए ने बी का मर्डर किया है, तो ए वर्सेस बी नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा स्टेट ऑफ स्टेट। मान लो इसमें यूपी में मर्डर हुआ है, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बी ये लिखा होगा हमेशा, उसमें कभी विक्टिम का नाम ही नहीं लिखा होता है, क्राइम में ये होता है। और वहीं अगर आप टॉर्च या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमेशा पार्टीज का नाम मेंशन्ड होता है, जैसे ए ने बी ब्रीच किया बी का, तो ए वर्सेस बी लिखा रहेगा। या फिर मान लो कोई केस लो है, जैसे एस बी वर्सेज वाइट है, तो एस बी वर्सेज वाइट में एस बी का नाम अलग लिखा है, वाइट का नाम अलग लिखा है। वहीं अगर एस बी ने वाइट का मर्डर किया होता यूपी में, तो लिखा होता स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज वाइट। ये प्रोसीडिंग्स नाम के स्टेट पे चलती हैं, समझे, ये चीज समझ में आई? हाँ ये तो पता है भैया। हाँ, फिर होती है कि इसमें क्राइम में आपको पनिशमेंट मिलती है और टॉर्च में आपको डैमेजेस मिलते हैं। डैमेजेस पता है क्या होता है? नुकसान भी है, लॉस पार्टी। हाँ मेनली वही चीज, नुकसान, कितना आपका घाटा हुआ, कितना आपकी हर्जाना देना है, वही होता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था टॉर्ट्स का, ठीक है, यही चीज आपको पढ़नी है टॉर्ट्स में, ठीक। और एक चीज और होती है जो इसमें नहीं लिखी है शायद मैंने, कि अ पर्सन कमिटिंग अ टॉर्ट इज कॉल्ड अ टॉर्ट फीजर। तो ये लिख लो तुम,
आप लोग लिख लो, अ पर्सन कमिटिंग अ टॉर्ट इज कॉल्ड अ टॉर्ट फीजर, TORTFEASOR. लिख लिया? हाँ भैया पहले से ही लिखा है वो. हो गया ना? हाँ भैया. हाँ तो इसके बाद आता है कि टॉर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं कि टॉर्ट हो सकेगा. सबसे पहले एक एक चीज आती है, रॉन्गफुल एक्ट टू टेक प्लेस. किसी भी मान लो कोई एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसका पहले होना जरूरी है. ठीक है, अब रॉन्गफुल एक्ट कोई भी हो सकता है, आपका न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन या फिर कोई भी चीज अलग से हो सकती है. फिर होता है उसके बाद आपका उस रॉन्गफुल एक्ट से लीगल डैमेज होना चाहिए या फिर एक्चुअल डैमेज होना चाहिए. अब लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? हाँ भैया अभी आपने बताया ना वही वो वाइट वाला केस. हाँ तो उसमें क्या हुआ था कुछ पता है? हाँ भैया वो मतलब वो वोट डालने जा रहे थे, उसको रोका गया था वोट डालने से, जो कि उसका भैया लीगल राइट था. वो जब इन्फ्रेंच हुआ लेकिन वो जिस पार्टी को वोट डालना चाहती थी वो पार्टी जीत गई. इसके बाद भी उसका जो लीगल राइट है वो इन्फ्रेंच हुआ था, तो उसको रेमेडी मिली थी शायद, ऐसा कुछ था. हाँ सही है, लीगल डैमेज में लीगल राइट वायलेट होता ना. हाँ सही, मतलब लीगल राइट, लीगल डैमेज हुआ आपको. हाँ तो ये है कि एसबी वर्सेस वाइट का एक एग्जांपल लेंगे, उसमें एसबी वर्सेस वाइट में ये हुआ था कि जो इसने बताया आई थिंक डिपेंड है ना, कि आपका लीगल उसने वोट करने से उसको रोक दिया था. ठीक, तो उसका कोई एक्चुअल डैमेज तो हुआ नहीं कि उसके पैसे चले गए या पैसे डूब गए उसके, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. जो उसका राइट टू वोट था ना वो एक लीगल राइट था, तो उसको लीगल डैमेज हुआ. या और एक्चुअल डैमेज वो वहां होता है जहां आपकी चीज मतलब नुकसान पैसों से अगर लेना चाहे, मान लो ए ने बी के साथ में किया कुछ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कुछ हुआ, या फिर डिफेमेशन हुआ, या फिर न्यूसेंस हुआ, या फिर नेग्लिजेंस हुआ. उसमें मान लो आपका नेग्लिजेंस में किसी ने आपने किया और आपकी कुछ चीज चली गई, मान लो आपका पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया, तो उसको अगर मान लो रिपेयर करवाना है या फिर डॉक्टर के पास दिखाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसमें क्या आपका एक्चुअल डैमेज हुआ ना, तो ये दो चीज. हाँ तो उसमें दो चीज होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, बीच में वो फ्लो ना ब्रेक करो उसकी, रिकॉर्डिंग हो रही है सबकी. सर एक बार लीगल डैमेज का कोई और एग्जांपल बता सकते हो क्या, मतलब इसी वोट के अलावा? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ एक बार, ये वाला तो बहुत जनरल केस है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई लीगल डैमेज का अदर एग्जांपल है क्या, कैसे लीगल डैमेज हो सकता है? आशीष भैया आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? कैन आई गिव अ एग्जांपल फॉर एक्चुअल डैमेज? लीगल डैमेज एक्चुअल तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. देखो कोई भी स्टेटरी राइट में तुमको राइट प्रोवाइड है, ठीक है, अगर उसका कोई इम्प्रिजमेंट करता है, जैसे राइट टू वोट एक हो गया, एक अंडर कॉन्स्टिट्यूशन भी है और इसके लिए एक स्टैट्यूट भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ठीक है, अगर तुम्हें प्रोविजन दिया है इधर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के थ्रू और उसको कोई इंफ्रिंज करता है, वो तुम्हारी लीगल राइट तब बोलेंगे ना जब उसके लिए स्टैट्यूट बना रखा है और फंडामेंटल राइट जो पार्ट थ्री में है और किसी और पार्ट में है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तुम्हारे एंट्रेंस लेवल कितना बहुत है, इससे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान होगे. ठीक है कंटिन्यू करो. सॉरी सूरत. हाँ हाँ ओके, तो इसके बाद समझना है ये दो चीज वायलेट हो गई, अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ और उसके बाद आपको लीगल डैमेज या फिर एक्चुअल डैमेज हुआ, और उसके बाद आपको मिलनी चाहिए रेमेडी, कोई भी रेमेडी डैमेजेस के लिए. तो फिर आपका ये तीन एलिमेंट होते हैं टॉर्ट्स के लिए, या फिर रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो उससे लीगल डैमेज या फिर एक्चुअल डैमेज हुआ हो, और फिर इस एक्चुअल डैमेजेस के लिए या फिर लीगल डैमेजेस के लिए आपके लिए कोई रेमेडी हो, लीगल रेमेडी हो या फिर एक्चुअल रेमेडी हो. ये दो तीन चीजें होती है बस टॉर्ट्स के लिए. तो ये मेन इंट्रोडक्शन ये था टॉर्ट्स का. इससे ज्यादा टॉर्ट्स में पर्टिकुलर टॉर्ट सब्जेक्ट से इससे नहीं आएगा. हाँ दो तीन चीजें और होती हैं इसमें. देखो एक टॉर्ट्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टॉर्ट्स और क्राइम दोनों हो सकती है. इसमें लिख लो नेग्लिजेंस, असॉल्ट, डिफेमेशन एंड कॉन्स्पिरेसी. ऑल्सो कॉन्स्पिरेसी बहुत कम लोग बता पाते हैं, मतलब पता नहीं होता ये, इस पे आता है क्वेश्चन.
कॉन्स्पिरेसी है या नहीं। तो ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो टॉर्ट भी होती हैं और क्राइम भी होती हैं। आपको जिसमें चाहिए होता है आप उसमें डैमेज मांगिए, अगर आपको प्रोसिक्यूशन करवाना है तो आप आईपीसी में केस करिए, और अगर आपको डैमेजेस चाहिए हैं तो आप टॉर्ट में केस करिए या फिर डैमेजेस मांगिए। तो ये चार पांच चीजें ऐसी हैं, ये आपके एमसीक्यूज बेसिस पे है तो ये कर लो आप लोग ये सब। इससे ज्यादा टॉर्ट्स में पर्टिकुलर टॉर्ट्स की में नहीं आएगा, फिर टॉर्ट्स की बहुत सारी चीजें होती हैं, नेग्लिजेंस वो सब चीजें वो पढ़ेंगे अभी अपन। तो इसके बीच में अब आपको कोई पता है कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं भैया एनी डाउट? क्या ये अनकोडिफाइड लॉ है ना? हाँ ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसका मतलब अभी कोडिफिकेशन धीरे धीरे चल रहा है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो कुछ चीजें कोडिफिकेशन चल रही हैं, कुछ चीजें अभी है नहीं, मतलब ज्यादातर ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसका कोई स्टेट्यूट है नहीं, तो ये चीज है। पर भैया अभी आपने बताया कि किसी उसमें लिखा हुआ है ये, क्या भैया आपने बताया नहीं था किसी, क्या वो भूल गया वो लिमिटेशन एक्ट के बारे में? हाँ हाँ लिमिटेशन एक्ट में मतलब ये दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट में बस इसको डिफाइन किया गया है। कोई ऐसा आईपीसी में मान लो आपका पूरा स्टैट्यूट है, उसमें हर चीज डिफाइन की गई, व्हाट इज क्राइम इज, मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, ये टॉर्ट में कुछ डिफाइन नहीं किया गया। केवल लिमिटेशन एक्ट में बस टॉर्ट की डेफिनेशन दी रखी है सेक्शन 2M में, बस और कुछ नहीं दे रखा है। ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जुडिशियल प्रेसिडेंट से हो रहा है एक्सपेंड, अब धीरे धीरे अगर कोई लाना चाहे, अगर अपना लेजिस्लेचर लाएगा तो लाएगा, टॉर्ट्स पे भी कभी आएगा, आना होगा, वेट कर रहे हैं हम लोग भी, यही चीज है। तो चलो इसके बीच इसके बाद कुछ मतलब कोई डाउट है तो ये बताओ। नहीं भैया ऑल क्लियर। ठीक, तो दो चीज आती हैं, इंजूरियस एंड डैमनम और डैमनम एंड इंजूरिया, इन दोनों के बीच में किसी को डिफरेंस पता है? हाँ भैया। चलो बताओ भैया, बताओ बताओ भैया। अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है, अगर कोई डैमेजेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर एक ए है और बी पर्सन है, वो एक कोचिंग सेंटर चला रहा है ए, और अगर पास में ही है नियर अबाउट बी कोई कोचिंग सेंटर खोल लेता है और उसके जो और वो कम फीस लेता है, ये 500 रुपए ले रहा है वो 300 रुपए में खोल लेता है, तो उसको डैमेजेस तो होते हैं लेकिन वो लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है। तो ये होता है इंजूरिया साइन डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हुए हैं लेकिन इंजरी लीगल इंजरी नहीं हुई है, और इंजूरिया साइन डैमनमो में जो है इंजरी लीगल इंजरी होती है लेकिन कोई डैमेजेस अगर नहीं भी होते हैं लेकिन लीगल राइट कुछ का वायलेशन हो जाता है। सही है, इंजूरिया साइन डैमनम में ये समझो, इंजरी साइन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट हाँ, और इसका मतलब ये समझो इंजरी विदाउट डैमेज, समझे? इंजूरिया साइन डैमनम इंजरी विदाउट डैमेज, इसमें कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है आपका, इसमें आपका लीगल डैमेज होगा बस केवल। जैसे एसी वर्सेस वाइट का केस था, उसमें उसने रोक दिया उसको वोट करने से, उसका कोई एक्चुअल लॉस तो हुआ नहीं लेकिन उसका लीगल जो डैमेज था ना, लीगल राइट हो गया तो लीगल डैमेज हो गया। तो इसमें ये चीज होती है इंजूरिया साइन डैमनम, और जब देखेंगे ना डैमनम साइन इंजूरिया में, इसमें डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि डैमेज हुआ लेकिन इंजरी नहीं हुई, समझे? और यहाँ इंजरी को हमेशा लीगल इंजरी मानेंगे ना? लीगल इंजरी नहीं, लीगल इंजरी हमेशा नहीं मानेंगे, आपकी एक्चुअल इंजरी भी तो होती है, हमेशा लीगल राइट वायलेट नहीं होता है, कुछ चीजें आपकी एक्चुअल राइट भी होता है वो भी वायलेट हो गया तो भी आपकी इंजरी होगी ना। इस पर्टिकुलर मैक्सिमम के लिए मानेंगे लेकिन इसको डैमेज विदाउट एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट, लेकिन अगर आप ब्रॉडर सेंस में अगर टॉर्ट की बात कर रहे हो तो उसमें दोनों फिर मांगने जाएंगे, एक्चुअल राइट और फिर लीगल राइट, समझे? ओके चलो, फिर इसके बाद आता है आपका न्यूसेंस। तो जो न्यूसेंस है ना, ये डराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड न्यूरे से, ठीक है? ये एमसीक्यू आता है कि न्यूसेंस जो वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ है, तो न्यूरे, ठीक, जिसका मतलब होता है टू हर्ट और टू अनॉय,
समझे। इसका एग्जांपल लेंगे अभी हमारे रूममेट हैं शंकर और हमारे एक और मित्र हैं सौरभ, जिसने आपको आईपीसी पढ़ाई होगी। तो एक अभी 2-3 दिन की पहले की बात है कि ये लगा था सौरभ खटखटाने इसका दरवाजा कि खोल 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 खोल, तो शंकर ने एक वर्ड भी यूज किया कि न्यूसेंस क्यों कर रहे हो भाई। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको न्यूसेंस का मतलब हो रहा है कि आप अनॉय कर रहे हो किसी को, लगातार किसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए आप अनॉय कर रहे हो, तो वो न्यूसेंस में आएगा। देखो इसमें लिखा है एनीथिंग डन टू हर्ट और अनॉयंस ऑफ द लैंड्स ऑफ अनदर अमाउंटिंग टू ट्रेसपास। विदाउट ये स्टीफन ने दी थी इसकी डेफिनेशन न्यूसेंस की, ठीक। अब यस, फिर न्यूसेंस भी आपके 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस जो है वो टॉर्ट में नहीं आता है, टॉर्ट में केवल प्राइवेट न्यूसेंस आता है। पब्लिक न्यूसेंस आपका आएगा सेक्शन 268 है इसके लिए आईपीसी में। तो ये आपका आएगा, हाँ बोलो, क्या बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। पब्लिक न्यूसेंस तो फिर क्राइम ही हो गया ना भैया। हाँ पब्लिक न्यूसेंस आपका क्राइम हो गया जो सेक्शन 268 से आएगा आपका आईपीसी में, समझे। और फिर प्राइवेट न्यूसेंस जो है आपका वो आएगा केवल आपका टॉर्ट की कैटेगरी में। तो ये चीज है। और प्राइवेट न्यूसेंस में अपने क्या आता है आपका, प्राइवेट न्यूसेंस के लिए आपको समझना होगा कि अगर कोई ए, मान लो ए है जो बी की प्रॉपर्टी में आ जाता है और कंटिन्यूअसली, इसमें एक वर्ड है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली उसको परेशान करता रहता है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस आ जाएगा। इसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं। देखो एसेंशियल्स में लिख लो आप लोग, एक काम करो कि प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज एंजॉय हिज लैंड, ठीक है, ये पहला एसेंशियल है। फिर दूसरा है कि डिफेंडेंट शुड बी डूइंग अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड, और तीसरा है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस डेट कॉज डैमेजेस, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूसेंस शुड बी कॉन्टिन्यूस। लगातार जो चीज होती है ना, जो चीज आपको अनॉय कर रही है, तो वो आती है प्राइवेट न्यूसेंस में, समझे। फिर से बोलूं या फिर एसेंशियल्स लिख रहे हो अगर तो एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ इसको लिख ही लो, मैं कह रहा हूँ। पहला एसेंशियल है प्राइवेट न्यूसेंस के लिए, प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज या फिर एंजॉय ऑफ हिज लैंड, ठीक। दूसरा है आपका डिफेंडेंट शुड बी डूइंग अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड। तीसरा है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस डेट कॉज डैमेजेस, और चौथा है न्यूसेंस शुड बी कॉन्टिन्यूस। लिख दिया, तीसरा क्या था, तीसरा था अनरीजनेबल इंटरफेरेंस डेट कॉज डैमेजेस। और चौथा है न्यूसेंस शुड बी कॉन्टिन्यूस। भैया विदाउट पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करे भी तो न्यूसेंस हो सकता है ना, जैसे अगर कोई कंटिन्यूसली जो है लाउड स्पीकर जो है बजा रहा है पड़ोस में, रात के 12 बज चुके हैं फिर भी। वो तो फिर पब्लिक न्यूसेंस में जाएगा ना, आपको पर्टिकुलर डैमेज तो क्राइम में जाएगा, वो आपका पब्लिक न्यूसेंस में जाएगा। मतलब उसमें आपको थोड़ी ना हो रहा है, अगर आपकी कॉलोनी में कोई बजा रहा है तो आप उससे थोड़ी ना डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बहुत और भी तो लोग हो रहे हैं डिस्टर्ब, है ना। प्राइवेट न्यूसेंस में आप पर्टिकुलर आपको अगर कोई चीज दिक्कत दे रही है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस में आएगी, समझे जी भैया, ठीक। न्यूसेंस यहाँ पे हो गया। इसके बाद आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस या ये आता है लैटिन वर्ड, ये यहाँ से डराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। अच्छा नेग्लिजेंस के बारे में किसी को कुछ पता है, ये बताओ पहले। That means carelessness. अगर कोई मतलब जो है अपनी जो ड्यूटी है उसकी केयर की, वो अगर परफॉर्म नहीं करता है,
अगर अपनी ड्यूटी जो उसकी जो मतलब एक मॉरल ड्यूटी होती है अगर उसका ब्रीच करता है लीगलिटी का तो नेग्लिजेंस होता है। देखो नेग्लिजेंस में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है सबसे मेन चीज, ठीक। और इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से देखो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है लीगल ड्यूटी, ठीक है, और उसका ब्रीच हुआ है, ठीक। और इस ब्रीच से जो हुआ है उससे आपको डैमेज हुआ है, तो ये तीन चीजें होती हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नेग्लिजेंस के लिए, ये एसेंशियल्स है नेग्लिजेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले ड्यूटी हो, ड्यूटी का अगर ब्रीच हो रहा है तो, और उस ब्रीच से कोई डैमेज हो रहा है तो नेग्लिजेंस में आ जाएगा। अब नेग्लिजेंस के एग्जांपल लेते हैं, सबसे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि कोई मान लो कोई जो वाटर पूल वाला कोई है उसमें कोई गार्ड लगा है, ठीक है, उसको देखना है कि कोई बच्चा या कोई इंसान डूब ना जाए, और वो अपनी ड्यूटी को ढंग से कर नहीं रहा है ना। मान लो बंदा बी है वो डूब गया और वो जो गार्ड था ना वो वहीं पर बैठा था, तो उसका कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ ना, उसने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ठीक है, उससे डैमेज हुआ है किसी को, कोई मर गया है मान लो, या कुछ भी उसको इंजरी हो रखी है या कुछ हो गया उसको, मान लो कोई बीमारी हो गई, निमोनिया वगैरह हो गया है ना, तो उससे क्या हुआ, डैमेज हुआ ना, तो ये आ गया उसका नेग्लिजेंस पार्ट, समझे ये नेग्लिजेंस क्या होता है। हाँ भैया, अब नेग्लिजेंस में दो चीजें और आते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में किसी को कुछ पता है तो बताओ। हाँ भैया बताओ, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, जैसे कोई डेंजरस थिंग मतलब कि अपने पार्टिकुलर जगह में लेके आते हैं और जब वो एस्केप कर जाती है तो भैया उसके लिए हम लायबल रहते हैं। तो भैया एब्सोल्यूट लायबिलिटी वो होती है जैसे हमने कोई फैक्ट्री अपने यहाँ खोल रखी है, अब भैया वो फैक्ट्री एस्केप नहीं कर सकती है लेकिन जो उससे अगर कुछ किसी को हार्म होता है उसके लिए हम लायबल होंगे, ठीक है। देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक होती है हैजार्डस चीज, हैजार्डस मतलब डेंजरस कह सकते हैं उसको, ठीक है, एक हैजार्डस चीज होती है और वो एस्केप कर जाए और जिससे किसी को डैमेज हो जाए, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाता है। जैसे मान लो मैंने शेर पाल रखा है, ठीक है, अब वो शेर आपके घर में घुस जाए और आपको आपके हाथ पर काट दे, तो शेर ने गया वो अपनी और मेरे लैंड से वो एस्केप कर गया, ठीक है, और उसने क्या किया, डैमेज कर दिया आपको, तो ये किस चीज बन जाएगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस, ठीक है। और इसमें डिफेंसेस मिल जाते हैं आपको, इसका मेन ओरिजिन जो हुआ है वो केस लॉ नाम याद रखना, राइंडर्स वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, ये मेन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए मेन केस लॉ है, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तब आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें मेन चीज ये होती है कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होता है, अब शेर मैं अपने घर में पाल रखा हूँ तो ये तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ ना, शेर तो हमेशा जंगल में रहता है, मैं ये कोई पालने वाली चीज तो है नहीं, और एस्केप कर गई वो चीज, जिसने क्या किया, जिसने आपको डैमेज किया, तो ये आ गई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, एक हैजार्डस चीज जो एस्केप कर गई और उसने डैमेज कर दिया तो आ गई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेन चीज है विस मेजर, विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, मान लो कोई चीज ऐसी थी, मैंने मान लो कुआ खोद रखा है अपने घर में, ठीक है, अब पानी इतना बरसा कि अब कुछ किया नहीं जा सकता था उसमें, ठीक है, तो मैं अगर आपको उसका डैमेज हुआ है उसमें तो मैं एक एक्सेप्शन है इसका, मैं इसमें डिफेंस ले सकता हूँ विस मेजर का, एक्ट ऑफ गॉड, कि भाई हमको खुद नहीं पता था कि इतना पानी बरस जाएगा कि ये एस्केप कर जाएगा पानी और आपको भी डैमेज कर जाएगा, ठीक है, तो यू आर एक्ट ऑफ गॉड। फिर आता है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इसमें है कि तीसरी पार्टी ने कोई कुछ कर दिया, मान लो मैंने शेर पाल रखा था वो तो खुद गया नहीं, मान लो कोई थर्ड पार्टी आई उसने खोल दिया शेर को और फिर वो आके चला गया आपके पास में, तो मैं इसमें ये डिफेंस ले सकता हूँ कि भाई इसमें मेरी गलती तो है नहीं,
कोई थर्ड पार्टी आई, उसने उसको खोला, जिसने तीसरे बंदे को और डैमेज कर दिया, तो ये हुआ रॉन्गफुल एक्ट बाय थर्ड पार्टी। और फिर होता है प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट। अब मैंने शेर पाल रखा है अपने घर में, ठीक है, अच्छे से बांध रखा है, अब आप आए मेरे घर में, आए आप कि भाई शेर शेर से खेलेंगे, शेर से खेलेंगे, और शेर आपसे खेल गया, ठीक, तो आप ही आए ना, मैंने तो एस्केप नहीं हुआ, मेन चीज है एस्केप, तो एस्केप तो हुआ नहीं इसमें, आप ही आए स्वयं। तो ये तीन चीज, तीन एक्सेप्शन होते हैं इसमें, तीन डिफेंसेस हो सकते हैं इसमें, तो ये तीनों डिफेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ में आई भैया? ये मजेदार तस्वीर। चलो ठीक है, बढ़िया है, समझ में आना चाहिए, ये मेन चीज है, ठीक। थैंक यू भैया। फिर आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया से ओरिजिन हुई है, ये केस लॉ है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसका आप लोग साइटेशन भी याद रखना, साइटेशन शायद मैंने लिखा नहीं, शायद मैंने लिख रखा हो कहीं पर, या फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि एमसी मेहता जो थे ना, उन्होंने बहुत सारे केस लॉ कर रखे, बहुत सारे केस किए उन्होंने, बड़े अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो एनवायरमेंट पे भी ध्यान देता है, इसकी बड़ी खुशी है। इसका साइटेशन मैं आपको एक काम करूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा विद साइटेशन, क्योंकि कभी कभी साइटेशन के नाम से पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर केस का नाम क्या था, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी रखते हैं, ओलियम गैस लीक केस या श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस, ये इसके अलग नाम है, ठीक है। अब इस केस लॉ में क्या हुआ है कि एक्सेप्शन नहीं मिलते, डिफेंसेस नहीं मिलते, डिफेंसेस नहीं मिलते इसमें। अच्छा लिख ही लीजिए आप लोग, एक काम करिए, मिल गया मेरे को, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसका साइटेशन है AIR 1987 SC 1086, या फिर मैं इसको चैट बॉक्स में डाल ही देता हूँ, वेट करो तुम्हें। एमसी मेहता, ये मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में, यहाँ से आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हुआ था कि जो कुछ गैस लीक थी, ओलियम गैस लीक थी, उसने बहुत सारा डैमेज किया था, तो इस वजह से आपकी एक लायबिलिटी बन जाती कि आप कुछ भी ऐसी चीज ना करें कि आप जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद ना एक इंडियन जो लेजिस्लेचर है उसने एक एक्ट पास किया, इसका नाम था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि एमसी मेहता के ओरिजिन के बाद कौन सा एक्ट पास हुआ, तो ये हुआ था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ठीक है। इसमें हमें इसमें ये बताया गया था कि जो आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ना, वो केवल इंटरप्राइजेस कर सकती है, मतलब इतना हजार्डियस काम केवल इंटरप्राइजेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मतलब मान लो कोई गैस लीक हुई और उसने पब्लिक एट लार्ज को नुकसान कर दिया, मान लो उससे 300-400 लोग मर गए, तो आपकी एक मान लो कोई भी मीथेन गैस लीक हो गई, तो उस एंटरप्राइज को ये तो ध्यान रखना चाहिए कि मैं मीथेन गैस का यूज कर रहा हूँ तो ये लीक ना हो, और इसकी कुछ ड्यूटी बनती है। अब मान लो उसके लीक से 400 लोग और मर गए, तो ये इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं। एक मिनट, हेलो, इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं, मेन चीज ये है, ठीक है। और इसका एक मेन मैक्सिम है, लेस इप्सा लोक्यूटर, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इज अ रूल ऑफ एविडेंस फॉर नेग्लिजेंस। ये एक आता है, ये मॉक में भी बहुत ज्यादा आता है, कोई भी आप मॉक लेना चाहेंगे लेंगे, ऑफकोर्स लेंगे ही आप लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ले भी रखा होगा। तो ये मेन चीज थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और नेग्लिजेंस में। कोई चीज समझ में ना आई तो बताओ।
सब आ गया समझ में? हाँ भैया, ठीक है, बढ़िया है। फिर आता है डेफेमेशन। अब डेफेमेशन के हमारी इज्जत है, हमको सब इज्जत दो, यही मेन चीज है डेफेमेशन में, और क्या है। ठीक है, तो एवरी मैन हैज अ राइट टू ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, और ये हमेशा होता है राइट एंड रैम, मतलब अगर आपकी रेपुटेशन है तो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होनी चाहिए, मान लो किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट में तो होगी नहीं, मान लो ठीक है दोस्तों के बीच में तो इज्जत होती नहीं है वैसे भी, ये तो सत्यता है, तो लेकिन अगर आप रखेंगे तो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट में रखना चाहिए हमेशा ये, कि अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो ये पूरी दुनिया का बनता है कि कोई आपकी बेइज्जती ना करे, समझे। डेफेमेशन मैंने पहले ही बता रखा है कि टॉर्ट है एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस है, आई थिंक सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट डेफेमेशन, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना सेक्शन में, ठीक है। अब जो डेफेमेशन होता है वो तीन तरीके का होता है, लाइबल, स्लैंडर और एक और होता है इन्यूएंडो, ठीक है। तीनों में किसी को डिफरेंस पता है तो बताओ, किसी को भी। लाइबल जो होता है वो रिटेन की रिटेन में होता है, और स्लैंडर जो होता है वो बोल के होता है, मतलब वर्बल। और इन्यूएंडो, इन्यूएंडो मैंने अभी अभी सुना आपसे ही। अच्छा चलो ठीक है, चलो बताते हैं। लाइबल को मैंने ऐसे लिख के रखा था, जैसे लाइबल एल से स्टार्ट होता है तो मैंने इसको याद रखा था लिखित, ठीक है, लाइबल एल एल, ठीक है। मेन इसमें जरूरी ये नहीं कि लिखित ही हो, रिटन ही हो, इसमें मेन चीज होती है परमानेंट फॉर्म में होनी चाहिए ये चीज। स्लैंडर होता है आपका ओरल वे ऑफ स्पीच, ठीक है, किसी ने आपकी मुंह बोल के बेइज्जती कर दी तो ये आपकी स्लैंडर हो गया। लाइबल होता है आपका परमानेंट फॉर्म में, मान लो आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट में गाली दे तो ये आपका हो गया लाइबल, या फिर मान लो कोई जर्नलिस्ट है या कोई रिपोर्टर है, आजकल के रिपोर्टर तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो कोई भी है एक जर्नलिस्ट वो बहुत बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं, तो अगर वो अगर आपको करते हैं, लेकिन उन्होंने मान लो टीवी पर बोल दिया आपका कोई भी, कि मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं किसकी, मान लो दीपेंद्र का एग्जांपल लेते हैं, कि दीपेंद्र का टीवी पर उन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई दीपेंद्र तो बड़ा गंदा आदमी है, इसका कैरेक्टर ऐसा वैसा है, ये है वो है, तो उसने तो बोला तो आपको ओरली, लेकिन जो टीवी पर टेलीकास्ट हो गया और उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे या कहीं भी जाएगी वो तो परमानेंट हो गई ना, तो ये किस सेंस में आ गया आपका, ये लाइबल हो गया, मान लो परमानेंट फॉर्म में हो गया। और फिर चौथा आता है, तीसरा आता है आपका इन्वेंडो। इन्वेंडो होता है सार्केज्म वाला, कि मान लो क्लास में आप लेट आए तो टीचर कहता है आपसे और बड़ी जल्दी आ गए, तो ये होता है सार्केज्म वाला चीज, ये आती है आपकी इन्वेंडो में। तो ये तीनों समझ में आए? हाँ भैया। इन्वेंडो एक बार और प्लीज। इन्वेंडो मान लो होता है प्राइमा फेसा आपको इनोसेंट लगेगा वो, ठीक है, कि भाई इसने बड़ी अच्छी चीज बोली, और लेकिन जब आप उसको मीनिंग डीपर सेंस में जाओगे ना तो आपको सार्केज्म समझ में आएगा कि हाँ इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक। मान लो एक तरीके से ताना दिया ना, एक तरीके से ताना मारना, हाँ ताना मारना, एग्जैक्टली ताना मारना। मान लो क्लास में चोरी हो गई और हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके बोले कि भाई मोहित तुमने तो चोरी की नहीं होगी। हाँ एग्जैक्टली वही 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 इन्वेंडो में आता है, ताना मारना या फिर कोई सार्केज्म करना, वो आता है आपका इन्वेंडो में। तो ये डेफेमेशन और तीनों डेफेमेशन से रिलेटेड इसके जो पार्ट है वो समझ में आए? हाँ भैया जी, हाँ जी भैया। तो यही चीज थी। और इंडिया में देखो, इंडिया में स्लैंडर लाइबल जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, ये केवल इंग्लिश लॉज में होती है। इंडिया में डेफेमेशन का मतलब डेफेमेशन होता है, ये स्लैंडर लाइबल इन्वेंडो ये केवल इंग्लिश लॉ में चलता है, ठीक। इंडिया में केवल डेफेमेशन है तो डेफेमेशन है, समझे? हाँ भैया समझे। हाँ तो और एक चीज और है, एक होता है रेल ऑन डिफेंस, आर ए, लिख लो इसको, आर ए वाई
LOND डिफेंस इज रिलेटेड टू डिफेमेशन, बस इतना ही याद रखना, रेल ऑन डिफेंस एंट्रेंस लेवल पे इतना ही आएगा, सेमेस्टर में आना तब पढ़ना रेल ऑन डिफेंस क्या होता है। रेल ऑन बस इतना बता सकता हूँ मैं कि रेल ऑन जो थे वो पीएम ऑफ आयरलैंड थे। तो अगर आप में उत्सुकता है, अगर आप में क्यूरियोसिटी है, तो आप स्वयं पढ़ना इसको एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये एंट्रेंस इससे ज्यादा लेवल पर नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका टॉर्ट में मेन मेन चीज हो चुकी है, बस इसके अब आपको पढ़ने एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस नहीं। भैया जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो डिफेम होता है, क्रिटिसिज्म करते हैं अगर, मतलब वो जो है गवर्नमेंट को जो मतलब तरीके से अपोजिशन होता है, तो वो इसमें डिफेमेशन में थोड़ी ना आएगा। नहीं वो जाके आईपीसी पढ़ना, पता चल जाएगा वहां पर दिए हुए एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो रहती है हमेशा, एक होती है आपकी एक्सेप्शंस होती है इसमें भी, क्या नाम, डिफेमेशन में। तो वो जब आप आर्टिकल 105 पढ़ेंगे ना, इसमें दो तरीके की होती हैं, एक एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है, और एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज जो होती है ना वो पार्लियामेंट में आ जाती है। आर्टिकल 105 पढ़ेंगे ना तो उसमें आप पढ़ोगे तो यही लिखा होगा कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है पार्लियामेंट में, अगर आप हाथ घूसे गाली वाली नहीं देते और कुछ भी बोल दो तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आ जाएगी वो। पर आती है आपकी क्वालिफाइड प्रिविलेज, जैसे न्यूज़पेपर राइटिंग हो गई, ये कुछ हो गया, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया, फादर सन के बीच में हो गया, लॉयर क्लाइंट के बीच में हो गया, ये होती है आपकी क्वालिफाइड प्रिविलेज। कि आपको इसमें एक्शन मतलब तुरंत, मतलब इसमें आपको ये करना हो कि आपको डैमेजेस हुए हैं या नहीं हुए, तो आपको ये प्रूफ करना होगा। और दो तीन चीज और होती है कि मूवी रिव्यू जो है वो क्वालिफाइड प्रिविलेज में आएगा। मूवी रिव्यू अगर ये क्रिटिसाइज करता है उसको एक इन अ गुड सेंस, तो आएगा आपका। मान लो कि जैसे KRK है, ये बहुत कुछ मतलब बोल देता है, मान लो टीचर जो एक्टर है उसकी पर्सनल एक्टिंग पे भी कमेंट कर देता है वो कभी कभी, तो वो आपका नहीं आएगा। फिर क्वालिफाइड उसमें आता है कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, तो वो आएगा आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज में। ये आप कॉपीराइट पढ़ोगे, जब IPR पढ़ोगे ना तब भी आ जाएगा उसमें कि ये उसका एक्सेप्शन है या नहीं, तो IPR पढ़ोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई जी भैया? हाँ, तो इसमें दो तीन चीजें और होती हैं डिफेमेशन से रिलेटेड, कि जब आप डिफेमेशन IPC में सू फाइल करोगे ना, मान लो ए ने बी का डिफेमेशन किया, तो मान लो ए को IPC में उसने कहा कि मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरे को इसको प्रोसिक्यूट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको इंटेंट देखना पड़ेगा कि इंटेंशन थी उसकी डिफेमेशन करने की या नहीं। वहीं टॉर्ट्स में अगर आप देखोगे ना तो उसमें इंटेंशन नहीं देखी जाती, इसमें केवल ये देखा जाता है कि उसमें डिफेमेशन हुआ या नहीं, ठीक। इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट इन टॉर्ट, और इंटेंशन इज रेलेवेंट इन क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। और फिर तीसरी चीज होती है डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन इज नॉट अ टॉर्ट, मतलब सभी लॉयर तो चोर होते हैं, ये डिफेमेशन हुआ या नहीं, या सभी नहीं, लॉयर वो तो नहीं। हाँ, तो जब आप क्लास ऑफ पर्सन की बात करते हो ना, डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, तो ये कभी मतलब डिफेमेशन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये टॉर्ट होता ही नहीं है। तो एक क्लास को आप कुछ भी कहते हो तो वो हमेशा नहीं होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को करोगे ना कि भाई वो पर्टिकुलर वकील, वो बंदा बहुत लुटेरा है, बहुत पैसे लेता है, या फिर कुछ भी उसके बारे में आप बोलते हो, तो वो डेफेमेशन में आएगा, समझे। और जैसे भैया किसी ने बोला कि उसकी फैमिली भैया ऐसी है, तो फैमिली तो भैया उसमें आ गई ना। फैमिली के बारे में पर्सनल कॉमेंट करते हो, अब फैमिली से एक और चीज है कि डेफेमेशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज नॉट अ टॉर्ट। मान लो कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, तो वो टॉर्ट अगर आप उसके बारे में कुछ कहते हो, उसका आप डिफेमेशन करते हो, तो टॉर्ट नहीं आता। लेकिन अगर उसके कहने पे, मान लो आपने उस बंदे के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसकी फैमिली भी बदनाम हो रही है, जिससे उससे फैमिली का भी डिफेमेशन हो रहा है, तो वो फिर टॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, IPC में दिया था। हाँ, हर चीज को IPC से कनेक्ट मत करो फिलहाल, क्योंकि ये अलग चीजें हैं। तो समझ में आया जितना पढ़ाया आज? हाँ भैया जी भैया। तो कोई है या आपकी क्वेरी हो तो बताओ।
वो जो लोयर वाला एग्जांपल था उसमें अगर हम बोलें कि 30,000 के सारे लोयर मतलब पैसे खाते हैं या वो है करप्ट है, तो उसमें क्या होगा, टोर्ट होगा डेफमेशन का? 30,000 के अगर आप कर दोगे ना तो 30,000 में जितने लॉयर्स आ जाएंगे, फिर भी क्लास की बात हुई ना, तो हो भी सकता है इसमें, फिर ये देखा जाएगा कोर्ट के ऊपर है ये कि लेता है वो उस पे इशू या फिर नहीं लेता है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, समझे? ऐसे कोई जब आप लॉ पढ़ोगे ना अभी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये होती चीज, ये चीज है या नहीं, लेकिन जब आप उसको डीप सेंस में जाओगे ना तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है वो चीज, और कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है उसमें, तो ये चीज होती है उसमें। अब कोर्ट क्या इसमें लेगा, कोर्ट इसमें एज अ पर्टिकुलर पर्सन लेगा 30,000 कोर्ट को या फिर क्लास ऑफ पर्सन लेगा, ये पर्टिकुलर कॉमेंट कोई नहीं कर सकता, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, तो इसका कोई पिन पॉइंट आंसर तो हो नहीं सकता है। यही है, और कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं भैया, नहीं भैया। तो आशीष भैया क्या क्या किया जाए? आशीष भैया नहीं है शायद, है नहीं भैया। अच्छा मैं, आप लोग रहिए मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? शेख यार सर ने डिफेंस नहीं बताया मुझे, लग रहा पूरी अभी है ना, क्या हुआ दीप? सर ने टॉट की पूरी डिफेंस नहीं बताया अभी है ना? नहीं भैया अभी डिफेंस नहीं बताया, अभी डिफेंसेस का कल काम होगा, अब इकट्ठा सब नहीं पढ़ा सकता मैं अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी खुद का भी पढ़ना होता है। ओके भैया सॉरी। आप लोग लीव कर सकते हैं जिस जिसको जाना हो। भैया जी हाँ, आप ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना, क्या ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना जिससे आप पढ़ा। हाँ, हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू भैया, ठीक है आप लोग। आज की क्लास इतनी ही थी।